हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक और मामला सामने आया है और अभी वाली जो घटना है ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है ये मामला सामने आया है नासिक से जहां पे एक कंटेनर के अंदर रखे 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग गए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जितेंद्रा ए कंपनी के थे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कंपनी का जो नासिक में प्लांट है वहाँ से बैंगलोर भेजा जा रहा था लेकिन प्लांट के नज़दीक ही कंटेनर के अंदर में

उनके लिए भी आता है और इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है फ्रेंड सिंपली आपको इस ओ स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओ पोर्ट से लगाना है अगर आपके बाइक में ओ पोर्ट नहीं दिया गया है तो आप इस कनेक्टिंग केबल का यूज़ कर सकते हो जो कि ओ स्कैनर के साथ ही आता है इसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कई सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि ट्रैक मोड की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी बाइक जीरो से चालीस जीरो से साठ ज़ीरो से अस्सी इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है यहाँ पर लाइव डेटा का भी ऑप्शन है जहाँ से आप स्पीड आर बैटरी वोल्टेज इंजन लोड थ्रोटल पोजिशन इंटेक एयर टेम्परेचर इंजन रन टाइम कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज इन सबका लाइव डेटा देख सकते हो इसके साथ ही और सारे मॉड्यूल्स को हंड्रेड परसेंट फुल्ली स्कैन कर सकते हो अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा साथ ही जितने भी फॉल्टी कोड्स हैं वो आप क्लियर भी कर सकते हो स्कैन रिपोर्ट आप यहां ऐप में भी देख सकते हो इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, है। बाइक वेरियंट का जो प्राइस है वो है दो हजार चार सौ निन्यानवे कार्स के लिए तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो ऐप और वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर से दे ऑर्डर कर ले चल टॉपिंग में वापस आते फ्रेंड्स मैं आपको बताना कि अभी क्या कि पिछले काफी समय में इंडिया में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इनका सेल्स बहुत बढ़ गया है एज पर रिपोर्ट दो हजार में टोटल एक लाख चौतीस हजार आठ सौ इक्कीस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिके थे सत्रह इलेक्ट्रिक और अभी भी इसमें भी बहुत तेजी से लोग जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को खरीद रहे फ्रेंड्स देखिए अभी क्या है आपको बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले टू व्हीलर है लिमिटेड कंपनी है स्टैब्लिश कंपनी है

जो स्टार्टअप वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है लेकिन बैटरीज का क्या मोस्टली जो बैटरीज है वो बाहर से आ रही है वो कोरिया से आ रही है वो चाइना से आ रही है बाकी बाहरी कंट्रीज से आ रही है कंपनी उन्होंने मंगाती और है और अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर उन्होंने बनाया उसमें इंस्टॉल कर देती है और चाइनीज माल का हाल तो आप सबको पता कितना चलता है आपको पता है क्वालिटी कैसी होती है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है अभी क्या हो रहा है कि गर्मी के दिनों में रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा और एक के बाद

तमिलनाडु से जो ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का मामला आया था इन दोनों मामलों के लिए सरकार ने सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी ये जो एजेंसी है इन्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है इनसे रिपोर्ट मांगा है इनसे पूछा है कि क्या रूट कॉज है वो पता लगाए इसी तरह से अभी जो नासिक वाला मामला आया है इसके लिए सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोरू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा इनसे भी रिपोर्ट मांगा है सरकार बेसिकली अभी ये कोशिश कर रही है कि वो पता लगाना चाह रही है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कहां पे गलती कर रही है इसके बाद सरकार का मेनली फोकस यही होने वाला है कि एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड सरकार रेडी करेगी जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा जो कि ये मेक श्योर करेगा कि कंपनीज भले स्टार्टअप तुरंत तुरंत तुरं 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 आते किए लेकिन उन्हें एक सर्टेन स्टैंडर्ड खास करके जो बैटरी है जो वायरिंग है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उनका मेंटेन करना पड़ेगा और इसके बाद काफी हद तक आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहे मौसम चेंज होगा चाहे ठंड आएगा बरसात आएगा या बहुत तेज गर्मी भी होगा तो आप देखोगे जो केसेस है वो बहुत ही कम होंगे और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सरकार का ये जो इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हुआ है उम्मीद है कि इस ये सही डायरेक्शन में काम करे और जल्दी बहुत जल्दी एक सर्टेन स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए भी तैयार किया जाए भले ही अलग के वी का उसमें बैटरीज का यूज़ किया जाए लेकिन एक स्टैंडर्ड जरूर से मेंटेन किया जाना चाहिए लेकिन जब तक अभी कोई नियम कोई सर्टेन स्टैंडर्ड नहीं आता तब तक मैं आपको राय देना चाहूँगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है या आप खरीदने की सोच रहे हो तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ख्याल में रखना चाहिए ताकि इस तरह का हादसा आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ नहीं हो हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर मैंने टोटल आपको सात ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो सेफ्टी है उसके साथ जुड़ा हुआ है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऊपर आई बटन ही मिल जाएगा वहां से भी क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देखें बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे है अगले वीडियो में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय